बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो लोगो डिज़ाइनिंग पे है कि हम लोग पिक्सल लैब पे लोगो को कैसे डिज़ाइन करते हैं। तो ये भी पहले की तरह बहुत सिंपल है, इसमें भी हम लोग शेप्स यूज़ करेंगे और गैलरी में से अगर हमने कोई पिक्चर इंसर्ट करनी है तो वो करेंगे और टेक्स्ट वगैरह लिखेंगे यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से वाइट कैनवस जो है इसका वो सिलेक्ट कर लेते हैं। देन उसके बाद मुझे एक पिक्चर चाहिए जो मैं गैलरी से लूँगी, ठीक है। अब हम इस पिक्चर को एडजस्ट कर लेंगे, जितना एरिया में आपने इसको एडजस्ट करना है आप उसे कर लें। अब मुझे इसकी ब्राइटनेस जो है उसे थोड़ा सा कम करना है, ओपेसिटी को कम करना है, तो यहाँ से मैं इसकी ओपेसिटी जो है वो थोड़ी सी कम कर दूँगी, ठीक है। देन उसके बाद अब मुझे सर्कल चाहिए जो मैं यहाँ के शेप्स में से लूँगी। यहाँ से मैंने ले लिया सर्कल। अब मुझे इसकी स्ट्रोक जो है, यहाँ से हम लोग इसकी स्ट्रोक विड्थ जो है वो इंक्रीज़ कर देंगे। अगर आपने इसका कलर चेंज करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद मुझे एक और सर्कल चाहिए जो मैं यहीं से शेप्स में जाऊंगी लूंगी और उसी तरह से इसकी जो स्ट्रोक है उसको भी, स्ट्रोक विड्थ जो है वो हम इंक्रीज करेंगे थोड़ी सी। जितनी आपको चाहिए उस हिसाब से आपने कर लेने, ठीक है। अब हमारे पास जो बैकग्राउंड में हमने इमेज ली थी वो हमें नज़र नहीं आ रही, अगर मैं उस इमेज को सिलेक्ट करके टू फ्रंट पे लाऊं तो वो हमारे पास यहाँ पे शो हो जाएगी। तो अब हम उसको फ्रंट पे ले आए हैं। अगर आप उसका साइज़ वगैरह बड़ा करना चाहते हैं, उसे एडजस्ट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे टेक्स्ट लिखना है तो यहाँ से हम जाएंगे टेक्स्ट पे, यहाँ से तो यहाँ पे आपने जो आप जिस हिसाब से या जिस टाइप का आपने लोगो बनाना है उस टाइप से आप टेक्स्ट जो है वो राइट करेंगे, ठीक है। वेलकम टू, अब जो ये टेक्स्ट है हम इसको सेट कर लेंगे, इसका फॉन्ट्स वगैरह और इसका कलर साइज वगैरह जो है उससे। यहाँ से इसका फॉन्ट जो है वो मैं चेंज कर दूंगी और यहाँ से हम इसे कर्व कर देंगे जितना हमें चाहिए और इसको यहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास दोबारा हमने टेक्स्ट लेना है और यहाँ पे हम टेक्स्ट टाइप करेंगे वेलकम टू चैनल। ठीक है, उसी तरह से इसका हम लोग जो है पहले फॉन्ट साइज वगैरह चेंज करेंगे, कलर चेंज करेंगे, फॉन्ट चेंज करेंगे हम इसका और यहाँ से हम इसे कर्व कर देंगे। ठीक है, अब जो इसकी ये इमेज है इसको मुझे दोबारा से बैक पे लेके जाना पड़ेगा, ये मुझे सर्कल्स को
रिमूव करना है साइड से थोड़ा सा। हम इसको टू बैक ले जाते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट सर्कल है इसको हमने साइड से थोड़ा सा रिमूव करना है, तो हम किससे रिमूव करेंगे, रेज़र से। जितना एरिया आपने रिमूव करना है आप उस हिसाब से यहाँ से रिमूव कर देंगे। देन उसके बाद हमारे पास जो मिड वाला सर्कल है उसको भी हमने इसी तरह से इतना ही इस एरिया में रिमूव करना है। ठीक, ये रिमूव हो गया। अब हमें यहाँ पे टेक्स्ट राइट करना है। सबसे पहले हम लोगों ने अब ये रिमूव कर दिया। अब हम लोग जो बैक वाली इमेज है उसको अगर मैं फ्रंट पे ले आऊँ, ये हमारे पास यहाँ पे फ्रंट पे आ गई। ठीक है, अब हम इसके ऊपर जो टेक्स्ट है वो राइट कर लेंगे। हम लोग जो आप लोग सीख रहे हैं मोबाइल ग्राफिक डिज़ाइन वही लिख लेते हैं। आप कुछ भी लिख सकते हो, आपने जिसका लोगो डिज़ाइन करना है आप उस चीज़ को मेंशन करोगे, उसका नाम दोगे। मोबाइल ग्राफिक डिज़ाइन के, ठीक है। यहाँ से हम इस टेक्स्ट को अब एडजस्ट कर लेंगे, इसका साइज़ वगैरह यहाँ से इंक्रीज करेंगे। क्योंकि वो लेंथ में एडजस्ट नहीं हो रहा था तो इस वजह से इसको मैंने ऐसे एडजस्ट करूँगी। यहाँ पे हम अलाइनमेंट में जाएंगे, अलाइनमेंट में जाके इसको मिड में करेंगे। ताकि ये इजीली एडजस्ट हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा ये एडजस्ट हो गया। अब हम लोग इसका कलर वगैरह जो है वो सेट कर लेंगे। ठीक है, और इसका फॉन्ट साइज भी हम लोगों ने चेंज करना है। ठीक है, और इसके अलावा अगर आप अपनी मर्जी से इसको स्ट्रोक देना चाहते हैं इसके टेक्स्ट को तो आप वो भी दे सकते हैं। किसी भी कलर में, ठीक। फिर हम लोगों ने अगर इसको शेडो वगैरह टेक्स्ट को देना है वो सब कुछ सेटिंग वगैरह जो है वो आप उसकी अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। इनर शेडो, अब जिस तरह ये हम लोगों ने एक लोगो डिज़ाइन किया मोबाइल ग्राफिक डिज़ाइनिंग का, इसी तरह से आप डिफरेंट किस्म के लोगोज डिज़ाइन कर सकते हैं अपने आइडिया लेके किसी भी तरह से। अब जैसे यहाँ पे मैंने ज़्यादातर टेक्स्ट को यूज़ किया तो आप डायग्राम्स के थ्रू इमेजेस के थ्रू भी डिज़ाइन कर सकते हैं। तो हम यहाँ से इसको सेव कर देंगे गैलरी में। ठीक है, ये सेव हो गया। अब अगर आप लोग, जैसे मैं एक और दिखा देती हूँ कि मैं किस तरह से कह रही हूँ आपको, जैसे ये हमारे पास ये लोगो डिज़ाइन हुआ हुआ है, तो इसमें हम लोगों ने क्या किया हुआ है कि हम लोगों ने पिक्चर को एक स्क्वायर के अंदर एडजस्ट किया हुआ है और उस सर्कल के अंदर हम लोगों ने टेक्स्ट को एडजस्ट किया हुआ है। तो जस्ट सिंपल सा है ये लोगो भी। आई होप सो कि आप सबको समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कुछ समझ में नहीं आया तो आप दोबारा पूछ लीजिएगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।